क्वेश्चन नंबर 43 44 है, 43 43 स्टेट पाइल एंड वाइड ए एंड बी कैरी करंट ऑफ 10 एम्पीयर एंड 15 20 एम्पीयर, तो आई की वैल्यू क्या 10 एम्पीयर है, आई की वैल्यू 20 एम्पीयर है रेस्पेक्टिवली एंड आर एज ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अपार्ट और ये दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इफ ए थर्ड वायर सी लेंथ 15 सेंटीमीटर, एक तीसरा वायर है जिसकी लेंथ क्या 15 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू कितना है, एल की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लीजिए क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 इज 2 मीटर ना, और हैविंग करंट ऑफ 10 एम्पीयर और इसमें करंट क्या होती है, ये तो करंट इसको आई दे देती है, या चलिए आई वन आई टू आई थ्री इसको ले लेते हैं, इसमें सी में जो करंट है वो 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर और इस प्लेस बिटवीन देम हाउ मच फोर्स विल एक्ट ऑन सी, सी पर कितना फोर्स लगेगा ये चीज निकाल, तो देखिए सी इन रिजल्टिंग फील्ड ऑफ करंट आई1 एंड आई2, जैसे सी पर आई1 भी अपने फील्ड प्रोड्यूस करेगा और आई2 भी प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों फील्ड का जो रिजल्टेंट होगा उसमें सी है, उसमें क्या है सी, तो सी इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिजल्टिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट आई1 एंड आई2 ना, तो आप रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट आई1 एंड आई2 निकाल लीजिए ठीक है, फोर्स की वैल्यू निकाल लीजिए ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड टू स्टेट कंडक्टर क्या होता है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड टू स्टेट कंडक्टर बी नॉट अपॉन 4/2 आई अपॉन आर होता है, तो 2 आई अपॉन आर लग जाएगा, आप डायरेक्शन डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए, बोथ प्रोड्यूस इन फील्ड इन द सेम डायरेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी यूज फ्लेमिंग राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नंबर 1 ना, तो रिगार्डिंग फाइल में राइट हैंड रूल नंबर 1 स्टेट योर फोर फिंगर्स एंड थंब मेजरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट फोर फिंगर इज टुवर्ड द करंट टुवर्ड द पॉइंट एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होता था, तो देखिए आई वन करंट क्या ऊपर है थंब ने ऊपर रख दिया, फोर फिंगर सी को रख दिया मैंने, तो फोर्स हमारा किधर जाएगा इनवर्ड जाएगा, फोर्स किधर जाएगा इनवर्ड, तो फील्ड ड्यू टू करंट आई क्या हो जाएगा इनवर्ड हो जाएगा, ये हो गया आपका बी ना, और फील्ड ड्यू टू करंट आई टू क्या हो जाएगा अपवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपवर्ड ना, क्योंकि करंट आपका ऊपर है फोर्स ऊपर से बाहर है ना, यहाँ फील्ड कितना हो जाएगा अपवर्ड हो जाएगा ये हो गया बी ठीक है, तो नेट करंट क्या होगा नेट फील्ड क्या होगा डिफरेंस ऑफ बी वन एंड बी टू, डिफरेंस ऑफ बी वन एंड बी टू व्हिच व्हिच फील्ड इज ग्रेटर, कौन सी फील्ड ग्रेटर बताइए, हां तो देखिए दोनों जो है बोथ कंडक्टर इक्वल डिस्टेंस आर से हो गया, तो फील्ड की वैल्यू आर पर डिपेंड है और करंट पर डिपेंड है ना, तो करंट आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, सो फील्ड ड्यू टू करंट आई टू विल बी ग्रेटर देन ड्यू टू करंट आई वन ना, तो रिजल्टिंग फील्ड क्या होगा रिलेटिव फील्ड आपका हो जाएगा रिजल्टिंग रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा बी जीरो अपॉन 4/2 आई ठीक है आई टू रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए B2 is greater than B1 है, तो फील्ड B क्या हो जाएगा, फील्ड B जो होगा आपका B2 वेक्टर माइनस B1 तो B कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4/2 I2 R म्यू नॉट अपॉन 4/2 I1 R तो बेस फोर्स कितना हो गया बेस फोर्स हो गया म्यू नॉट अपॉन 4/2 और 2/2 आप कॉमन ले लीजिए तो आई टू माइनस आई तो देखो 10 एट पर माइनस 7 इंटू 2 अपॉन आर की वैल्यू 0.1
I T equal to क्या 20 minus 10 ठीक तो देखा आपका 10 into 4 minus 7 into 20 into 10 तो क्या 200 into 10 into 4 minus 7 2.0 into 10 into 4 minus 5 this चल ये आपका फील्ड हो गया। अब देखिए थर्ड कंडक्टर C is in this field ना तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन थर्ड कंडक्टर क्या हो जाएगा ये अच्छा ये फील्ड किधर वर्क के लिए अपॉर्ड डायरेक्शन ऑफ रेडिएटिंग फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ B2 ना तो B2 वर्क के लिए अपॉर्ड है तो रेडिएटिंग फील्ड इज वर्क के लिए अपॉर्ड वर्क के लिए अपॉर्ड ना तो रेडिएटिंग फील्ड वर्क के लिए अपॉर्ड हो गया। या फिर छोड़ कितना होता है ILV sin ऑफ 90 क्योंकि फील्ड वर्क के लिए अपॉर्ड है करंट प्लेन में है जैसे वैल्यू रखे कितना हो जाएगा आई को कितना है I3 यहाँ पर I3 हो जाएगा C में जो करंट है I3 है तो I3 लिख दीजिए ठीक है I3 हो गया और लेंथ ऑफ द कंडक्टर C फील्ड एट कंडक्टर C इनटू साइन साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एंड फील्ड फील्ड इन वर्ट के लिए अपवर्ड करंट करंट इन ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर सो एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री तो राइट हियर आई तो आई की वैल्यू कितना होता आई की वैल्यू आई थ्री वैल्यू कितना है टेन टेन लिखे और एल की वैल्यू कितना है 15 इंटू 10 रेड पावर माइनस 2 ना रेडिएटिंग फील्ड कितनी है बताओ 2 इंटू 10 रेड पावर माइनस 5 इंटू 1 है कितना हो जाएगा 300 इंटू 10 रेड पावर माइनस 6 3 इंटू 10 रेड पावर माइनस 5 न्यूटन ये फोर्स अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लीजिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा तो टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी यूज प्रेलिंग लेफ्ट हैंड रूल आर राइट हैंड पावर नंबर 2 ना टेक आउट टू प्रेलिंग लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच योर फोर फिंगर्स एंड थंब आप लेफ्ट हैंड विच इज परपेंडिकुलर टू सब दैट फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ पेन थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन पुश इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चलिए पुल की भी थंब की भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स प्रेलिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है स्ट्रेच योर फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो दैट फोर्थ फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये होता है ना तो देखिए रेडिएटिंग फील्ड अपवर्ड है इसको अपवर्ड रखेंगे और ये अपवर्ड रखने वाले और मिडिल फिंगर किधर रखेंगे मिडिल फिंगर जो है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करंट ऊपर है ना करंट किधर है ऊपर ये अपवर्ड है तो ये ऊपर हो गया है ये अपवर्ड हो गया है तो थंब किधर जाएगा बताओ ये इधर है हां करंट आपका जो है थंब आपका किधर जा रहा है टुवर्ड्स कंडक्टर बी ना और फोर्थ फिंगर करंट की डायरेक्शन जा रहा है और मिडिल फिंगर फोर्थ फिंगर अपवर्ड टू द प्लेन इन आउटर डायरेक्शन है और मिडिल फिंगर करंट डायरेक्शन में थंब हमारा किधर जा रहा है टुवर्ड्स कंडक्टर बी देखिए रेजिस्टिंग फील्ड हमारी बाहर है तो हमने मिडिल फिंगर को बाहर रख दिया है और इसको क्या किया हमने करंट की डायरेक्शन रख दिया तो फोर्स हमारा इधर जा रहा है इस पर लगने वाला फोर्स की तरफ होगा टुवर्ड्स बी है फिर टुवर्ड्स बी हो गया सही है टुवर्ड्स कंडक्टर टुवर्ड्स कंडक्टर ये चैप्टर फिनिश फिर चैप्टर करते हैं इसके नो में तो देखिए काम कर रहा है देखो काम किया टुवर्ड्स एलिमेंट अब इसको फिर नो में तैयार करते हैं ठीक है टेस्ट के लिए